समाजवादी पार्टी गठबंधन के हमीरपुर महोबा तिनवारी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी दिलीप सिंह भारी दल बल की मौजूदगी में जिला कलेक्टर में नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रत्याशी दिलीप सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले कई किलोमीटर का रोड शो किया। दिलीप सिंह ने नामांकन पत्र भरने के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। प्रत्याशी दिलीप सिंह के हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा सीट के लिए नामांकन पत्र भरने के दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। चारों तरफ समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी। काफिले पर जगह जगह लोगों ने फूलों की बारिश की। भारी गर्मी में भी कार्यकर्ताओं का लंबा जुलूस दिलीप सिंह के काफिले के साथ साथ चल रहा है। नामांकन पत्र भरने के बाद प्रत्याशी दिलीप सिंह ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह लोकसभा क्षेत्र उनकी कर्मभूमि में रहा है और यह हमारे समर्थकों के लिए एक पवित्र स्थल है। प्रत्याशी दिलीप सिंह ने कार्यकर्ताओं से पूरी जी जान से एकजुट होकर उन्हें जिताने और गठबंधन को मजबूत बनाने जाने की अपील की है। 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। यह थी खबर शिवकुमार शिवहरे ब्यूरो चीफ बुंदेलखंड से। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।